वेलकम बैक गाइस, CSS PMS गुरु में आपको खुश आमदीद। अच्छा, तो हम मोटिव्स ऑफ महमूद इन्वेजन का के बारे में पढ़ रहे थे, और पिछले लेक्चर में हम इसके रिलीजियस फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये कि वो कादर बिल्ला का शागिर्द था, नगरकोट और सोमनाथ टेम्पल्स को उन्होंने तबाही की थी वहाँ पे, और प्रीचिंग ऑफ इस्लाम उनका मोटिव था। तो ये चीज़ें, फिर उसके साथ साथ फिर दूसरे पॉइंट्स में हमने देखा कि नहीं, ये सारे कुछ जो थे वो उसके पॉलिटिकल मोटिव्स में आते हैं, या शायद उसके इकोनॉमिकल मोटिव होंगे, क्योंकि उसकी आर्मी में काफ़ी हिंदूस उसके ट्रूप्स में थे, और कभी उन्होंने किसी को बाई फोर्स मुस्लिम करने की कोशिश नहीं की थी। ठीक है गाइस, उसका जो एज था वो एक रिलीजियस फिगर के उस पर नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था। अभी हम देखते हैं उनके जो पॉलिटिकल फैक्टर है वो देखने की कोशिश करेंगे गाइस। इनका जो इंडिया का जो रूलर था जयपाल, वो जिस टाइम इनका जो रूलर था गजनी का सुपुख्तगीन, जो उसके वालिद थे महमूद गजनी के, तो उस टाइम जयपाल ने गजनी में इन्वेट करने की कोशिश की थी, और जब उन्होंने गजनी में इन्वेट किया था तो उस टाइम अलप्तगीन से उसकी उनकी शिकस्त हुई थी। तो शिकस्त होने के बाद उनके बीच एक प्री पीस ट्रीटी हुआ था, और इस ट्रीटी के तहत जयपाल ने कहा था कि मैं आपको कुछ हाथी और इस तरह की कुछ कंडीशन रखी थी कि आपको दे दूंगा हरजाने के तौर पे। तो उसका फिर उन्होंने कहा था कि मैं वापस जाके आपको दूंगा, लेकिन एक तो यही इनका मेन पॉलिटिकल फैक्टर अगर हम देख लें, तो हो सकता है कि उसकी जयपाल के वहाँ हमला करने पे उस चीज़ पे उनको गुस्सा हो महमूद गजनी को, और हो सकता है ये बात उनके लिए एक मोटिव बन जाए। दूसरा, जो पीस ट्रीटी थी, जो ट्रीटी का उन्होंने जयपाल ने कहा था कि मैं आपको ये चीज़ें दे दूंगा, और आपको मैं कोई हाथी थे कुछ इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन वो देने में नाकाम रहे थे, वो वापस जाके मुखर गया था। तो फिर हो सकता है ये एक पॉइंट हो कि महमूद गजनी ने कहा हो कि मैं इसको सबक सिखाने के लिए इसके इंडिया पे हमला कर लूँ, ये। और तीसरी ये कि हेल्प द पॉलिटिकल एनिमी ऑफ गजनवी, और गजनी के या महमूद गजनवी के जो पॉलिटिकल एनिमीज़ थे मुख्तलिफ एरियाज़ के, तो उनके साथ ये काफ़ी हेल्प किया करता था। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। और फोर्थ पे महमूद्स एंड इम्पीरियलिज्म, जो सेंट्रल एशिया में महमूद की जो वो कहते थे कि मैं अपने जो उसके बॉर्डर्स हैं उसको एक्सटेंड कर लूँ, इसका जो एम्पायर है उसको बढ़ा दूँ, इसलिए हो सकता है उसकी एक इम्पीरियलिज्म हो। ये चार पॉइंट्स अगर गाइस हम देख लें, तो इस पर हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है ये उनका एक पॉलिटिकल फैक्टर हो, और इन्हीं बातों पे हो सकता है वो उन्होंने हमला किया हो इंडिया पे। उसके इस बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिकल फैक्टर गाइस। इकोनॉमिकल फैक्टर में सबसे एक चीज़ और अहम चीज़ जो आती है, जो पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा था, वो यही कि फर्टाइल फील्ड्स ऑफ इंडिया। इंडिया जो था वो एक रिच एरिया समझा जाता था, यहाँ के एग्रीकल्चर, यहाँ के मिनरल्स, यहाँ के हीरे जवाहरात, और यहाँ के दूसरे चीज़ें, यहाँ की पानी, और यहाँ मतलब बहुत ही एक टेक्सटाइल फील्ड में और दूसरे कॉटन वगैरह, ये काफ़ी ही आगे था। इसलिए इसके जितने भी एडजॉइन एरियाज़ के जो एम्पायर थे वो हमेशा यही चाह रहे थे कि यार हम हमला करके ये चीज़ें एक्वायर कर लें। तो इकोनॉमिकल फैक्टर में हो सकता है पहले नंबर पे यही कि वो महमूद गजनवी ने सिर्फ़ और सिर्फ ये वेल्थ एक्वायर करने के लिए, ये चीज़ें, यहाँ सोना, जितने भी चीज़ें यहाँ आती हैं वो यहाँ हासिल करने के लिए उन्होंने हमला किया होगा। दूसरी बात जो है, ब्रॉट ऑल इंडियन वेल्थ टू गजनी। दूसरी बात से ये चीज़, ये जो ऊपर की जो पॉइंट है फर्टाइल फील्ड्स ऑफ इंडिया, ये बात यहाँ आके सच साबित हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जितने भी यहाँ की दौलत, उन्होंने जितने भी
हमला किए थे, कोई 17 मरतबा उन्होंने जो हमला किया था, और सारे हमले में वो सक्सेसफुल रहा था, किसी भी हमले में भी उसको शिकस्त नहीं हुई थी। तो ये बात यहाँ वाज़े हो सकती है, क्योंकि वो जितने भी यहाँ दौलत उन्होंने कमा लिए, जहाँ भी हमला करता था, जितने भी उसको बूटी और जितने भी दौलत मिलती थी, वो सारा उसके सारा का सारा यहाँ से ले जाके वो गजनी में इकट्ठा किया करता था। ठीक है गाइस, और फिर ये कि वो कभी भी इंडिया में परमानेंट नहीं रहता था, वो यहाँ आके हमला करके फिर वापस गजनी जाया करता था। 1000 से लेके 1027 तक, 1027 तक वो हमले करते करता रहा, और कोई 17 हमलों में जितनी भी उनको वेल्थ मिली वो सारा ले जाके वो उन्होंने गजनी में इकट्ठा करना शुरू किया। और बाज़ बुक्स में ये कहा जाता था जाता है कि एक मरतबा जब उन्होंने सोमनाथ के जो टेंपल उन्होंने तबाह की, और वहाँ जितने भी उसको दौलत मिली थी वो सारा ले जाके जो गजनी में 4 दिन तक उन्होंने जश्न मनाया था, और उन्होंने अपने जो उसके मैन थे उनको उन्होंने इतनी ज़्यादा दौलत दी थी कि वो बेशुमार उनको गिनने के काबिल नहीं थी, इतनी ज़्यादा उन्होंने दौलत इंडिया से ले जाके उन्होंने गजनी में सबके बीच सबके दरमियान बांट दिया था। तो यहाँ ये बात काफ़ी जितने भी हिस्टोरियन हैं वो अक्सर व बेशतर यही कहते हैं कि महमूद की जो इन्वेजन थी वो ज़्यादा बेस्ड करती थी इकोनॉमिकल फैक्टर पे। तो गाइस यहाँ जो तीन फैक्टर्स हमारे पास आती हैं, रिलीजियस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, तो ये जितने भी इस रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आएंगी, तो आपने जो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, आपने सिर्फ एक पे नहीं जाना है, बल्कि आपने बैलेंस रखना होगा, आपने मुख्तलिफ थ्योरीज पेश करनी होंगी, आपने मुख्तलिफ रेफरेंसेस पेश करनी होंगी, और पेश करने के बाद फिर जाके आपने यही उस एक एंड पॉइंट पे जाना होगा। जिस तरह हमने इसमें देखा कि रिलीजियस पॉइंट्स हमारे पास ये थी, और रिलीजियस पॉइंट्स हमने लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम पॉलिटिकल फैक्टर्स की ये पॉइंट्स हम लिखेंगे, और फिर लास्ट में इकोनॉमिकल फैक्टर भी हम लिख के फिर हम कोई नतीजे में जाए अखज कर लेंगे। उसके बाद गाइस मुख्तलिफ जो हमारे पास रेफरेंसेस आएंगे उसमें से जो मशहूर और जो फेमस हैं वो एल्बिंस्टन कहते हैं कि ही नेवर हर्ट हिंदूज, वो कभी उन्होंने हिंदूज किए, ये आम सी बात है, और उसके ट्रूप में भी हिंदू थे, तो उन्होंने एक रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है, ये उसके बेस पे हम ला सकते हैं। उसके बाद एस एम जाफर एंड प्रोफेसर हबीब से इट वाज प्योरली इकोनॉमिकल मोटिव, वो ये दो हिस्टोरियन कहते हैं कि एक पॉलिटिकल मोटिव था। ठीक है गाइस, उसके बाद आर सी मजमदार इन हिज बुक एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेज दैट महमूद वाज नाइदर अ मिशनरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियस इन द कंट्री नर एन आर्किटेक्ट ऑफ द एम्पायर। ठीक है गाइस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज ईस्टर्न एक्सपेडिशन सीम्स टू हैव बीन द एक्विजिशन ऑफ द वेल्थ ऑफ इंडिया एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मोरल ऑफ इट्स कस्टोडियंस। ठीक है गाइस, ये इसमें मजुमदार ने अपने किताब में यही कहा है कि उसका नहीं कोई वो एक प्रीचरी या मिशनरी हो सकता है रिलीजन का, और ना ही कोई वो एक पॉलिटिकल व्यू हो सकता है उनका, और मेन उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इंडिया के जो जितने वेल्थ हैं वो ले सके और अपने आप को अपने एम्पायर को बढ़ा सके, और दूसरे उसके जो जितने अगेंस्ट आएंगे उनके मोराल को इस तरह वो ख़त्म कर सकते। तो गाइस ये तीन फैक्टर्स हमारे पास हैं, ये आप पॉइंट्स लर्न करने की कोशिश कर लें, और ये पॉइंट्स देखने के बाद ख़ुद से भी रिसर्च कर लें और ख़ुद भी देख लें, मेन पॉइंट्स यही आएंगी, और इसके साथ अगर दूसरे आप रिसर्च करके दूसरे पॉइंट्स और दूसरे रेफरेंसेस ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, और इस तरह हमारा महमूद इन्वेजन या महमूद गजनी का जो टॉपिक है वो इसी दो ट्यूटोरियल्स पे हम कंबाइन रखते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।